अरे मरता है तो मर जाए, तुम जैसे साइको आते हैं। अच्छा सबको देने लग जाओ, मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। चल हट यहाँ से। अंकल मैं फ्री में थोड़ी ना मांग रही हूँ, 50 रुपए तो कम है, मैं बाद में दे जाऊंगी, मुझ पे भरोसा करो। तुम भिखारियों का क्या भरोसा, एक बार चली गई तो दोबारा शक्ल नहीं दिखाएगी। चल हट। अरे भाई बच्ची को क्यों धक्का दे रहे हो? अरे भिखारियों को ऐसे ही भगाया जाता है। अंकल थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, ये दवाई मेरे पापा के लिए बहुत जरूरी है। कितने पैसे कम है भाई? 50 रुपए। ये लीजिए 500 रुपए, बाकी 450 रुपए वापस कीजिए। ये ले बेटा, पैसे भी ले जा बेटा, तेरे काम आएंगे। बेटा जल्दी से घर जा, अपने पापा को ये दवाई दे। थैंक यू अंकल। जा। इस लड़की का बाप मरे ना मरे, लेकिन ये बुड्ढा जरूर मरेगा, ऐसे परोपकार करता रहा तो। ये क्या है? सिर्फ दाल ही दाल बनी है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? आपके पापा लेकर आते तो बनाती ना। सुबह मैंने इनको 500 रुपए दिए थे सब्जी लाने के लिए, सब्जी तो लाए नहीं, ऊपर से किसी का भला करके आ गए। क्यों करते हैं आप पापा ऐसे? हाँ? आपको रिमी ने सब्जी के लिए पैसे दिए थे या किसी का भला करने के लिए? बेटा उस बच्ची को पैसे की बहुत जरूरत थी। हाँ तो उसे पूरे पैसे देने की क्या जरूरत थी? 10-20 रुपए देकर भी तो आप पीछा छुड़ा सकते थे ना। हाँ? अब देखिए आपके इन्हीं चक्करों की वजह से हमें दाल रोटी खानी पड़ रही है। और रिमी तुम पापा को दोबारा पैसे देकर बाजार नहीं भेज सकती थी क्या? इनका क्या भरोसा, कहीं वापस कोई जरूरतमंद मिल जाता तो उसे भी पैसे देकर वापस खाली हाथ घर लौटा दे। तुम कोई नौकर क्यों नहीं रख लेती हो? अगर नौकर रख लिया तो घर में पड़े पापा क्या करेंगे? अरे पर कम से कम ये सब तो नहीं होगा। थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो हाथ पैर चल रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे तो बिस्तर पकड़ लेंगे और वो मुसीबत भी हमें ही झेलनी पड़ेगी, फिर कौन करेगा इनकी सेवा? बेटा वो बच्ची सही में बहुत मजबूर थी, अगर उसके पापा को दवाई न मिलती तो पता नहीं क्या हो जाता। दादू ने तो अच्छा काम किया है, आप उन पे क्यों चिल्ला रही हो? मेरी टीचर कहती है जो नीडी पीपल की हेल्प करता है वही गॉड होता है। सनी बड़ों के बीच में बोलना बैड मैनर्स होता है। देखो कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, इसलिए कल सुबह दादू ऑटो से स्कूल छोड़ने जाएंगे, ठीक है? चलो जल्दी से अपना खाना फिनिश करो और जाके सो जाओ। आपका बेटा तो दाल को हाथ भी नहीं लगाता, आज इसे भूखा ही सोना पड़ेगा। मम्मी टीचर कहती है पल्सेस में खूब विटामिन्स होते हैं, हमें खाने चाहिए, दाल तो मैं जरूर खाऊंगा। तो ठीक है सभी आज दाल ही खाओ। दादू कभी कभी दाल भी खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। दो। कितना हुआ भैया? अरे दादू आप रिक्शा लेके घर जाओ ना। बेटा मैं घर पैदल ही चला जाऊंगा, जल्दी मैं घर जाके करूंगा भी क्या? मुझे पता है आप वैसे भी 10 रुपए में ऑटो में नहीं जा सकते इसलिए आप पैदल जा रहे हो। मेरा बच्चा। बाय दादू। बाय। क्या हुआ बेटा? दादू टीचर ने भी कहा था भगवान जब भी दुनिया में आए उन्हें लोगों ने बहुत दुख दिया, लेकिन भगवान तो निधि पीपल की हेल्प करते हैं, तो पीपल उनको क्यों दुख देते हैं? बेटा जब इंसान किसी दूसरे इंसान के काम आएगा तो भगवान को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे अंदर इंसान का दिल होना चाहिए।
हाँ दादू। और मुझे यकीन है कि तुम भी नीडी पीपल की हेल्प करोगे। मैं भी नीडी पीपल की हेल्प करूँगा, मैं आप जैसा ही बनूंगा। हाँ, मुझे पता है बेटा, चलो बेटा। सच बड़ा ही सेक्सी ड्रेस था वो तो। हाँ यार, आजकल तो ये विमेन के बीच बना फैशन का ट्रेंड है। राज तो क्रेजी है मुझे उस ड्रेस में देखने के लिए। बट ये कैसे पॉसिबल है? तेरे फादर इन लॉ तुझे इतने बोल्ड आउटफिट में देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? Who cares of him? उनकी वजह से हम क्या खुश रहना छोड़ दे? ये बूढ़े लोग होते ही है हमारी खुशियों में आग लगाने के लिए। बट तू है बहुत लकी यार, जो तुझे राज जैसा हस्बैंड मिला है। मेरे घर में देख, मेरे ससुर की चलती है, चाहे वो सही हो या गलत। मैंने एक बार अपने हस्बैंड से फादर इन लॉ को अलग रहने के लिए क्या बोल दिया, वो तो कहने लगे मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ पर अपनी मम्मी पापा को नहीं। ये खून के रिश्ते भी ना बड़े अजीब होते हैं, कितनी भी परेशानी हो वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। तेरे और मेरे ससुर में डिफरेंस भी तो देख, तेरे ससुर की प्रॉपर्टी इतनी है कि उसके रेंट से तेरे घर का पूरा खर्चा निकल जाता है। और मेरे ससुर को देख, कमाते धमाते तो है नहीं, ऊपर से राज की कमाई को लुटाते फिरते हैं। ऐसा क्या करते हैं तेरे ससुर? घर का सामान लाने बाजार भेजती हूँ और खाली हाथ लौट कर आते हैं, कहते हैं उन पैसों से किसी की मदद कर दी। पता नहीं सच बोलते हैं या झूठ। आज की महंगाई में किसी को घर बैठा कर खिलाना कितना मुश्किल होता है पता है ना? एक तो इनको खिलाओ, ऊपर से इनकी घपलेबाजी भी झेलो। अरे इस सठियानी उम्र में ना लोगों का भरोसा ही नहीं है। इस उम्र में आकर आदमी और भी शौकीन हो जाते हैं। तुझे पता है मेरे नेवर में ना एक बुढ़ा रहता है, अपनी बहू से पैसे लेता था घर के सामान के लिए और कहता था किसी जरूरतमंद को दे दिया, और बाद में पता चला उसका किसी बार गर्ल के यहाँ आना जाना था। पता नहीं इनका क्या चक्कर है, राज तो कहता है कि घर के काम के लिए कोई नौकर रख लो। अगर इनका पेट भरना ही है तो नौकर को अलग से पैसे क्यों दे, है ना? और वैसे भी आजकल हमारी जरूरतें पूरी ही नहीं हो पाती है। कितने दिन से राज हांगकांग के टूर की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इनकी वजह से कुछ पैसे सेव हो पाए तब ना। अब पता है कि घर में गेस्ट आए हुए हैं, मगर साहब अपने बेडरूम में आराम फरमा रहे हैं, जैसे घर में खूब नौकर चाकर हो। अरे पापा, देख नहीं रहे हो क्या, घर में मेहमान आए हुए हैं, जरा चाय तो बना दीजिए। अरे छोड़ना, बुलाते रहेंगे। और बता तूने और कौन सी ड्रेस देखी? हेलो, ठीक है अंकल, मेरे दादू का ख्याल रखना, मैं अभी अपने डैडी को भेजता हूँ। किसका कॉल था बेटा? दादू बेहोश हो गए। तो अब इनका नया नाटक शुरू हो गया। हेलो हेलो डैडी, ये किसको कॉल कर रहे हो तुम? हेलो सनी बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डैडी को देखो बेटा, छोटी छोटी बातों के लिए पापा को परेशान नहीं करते, ओके? तुम जाओ जाके खेलो, दादू आ जाएंगे, ओके? हेलो, हेलो राज, मैं रिमी बोल रही हूँ। हाँ रिमी, क्या हुआ? सनी इतना घबराया हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेबी, तुम्हें तो पता है ना कि वो छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करता रहता है। तुमने मूवी की टिकट्स बुक कर ली है ना? डार्लिंग, संडे को तो मैं सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी करता हूँ,
तो ये बात कैसे भूल सकता हूँ मैं? बाय डार्लिंग, लव यू। क्या हुआ बे, तू क्यों इतना हंस रहा है? तेरी शादी होने दे, फिर देखता हूँ मैं तू कैसे हंसता है। यार मुझे एक्चुअली ये समझ नहीं आता कि लोग अपनी वाइफ से इतना खौफ क्यों खाते हैं। वो खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि लड़कियां ना वाइफ बनते शेरनी हो जाती है। और लड़के डॉगी। अगले मैंने तू भी कुत्ता ही बनने वाला है, दन, दन, याद रखना ये बात। सनी। अरे मार क्यों रही हो मेरी बेटी को? बेटा तुम्हें मैंने पैसे किस लिए दिए थे? टीचर को देने के लिए। फिर पैसे कहाँ गए? स्कूल में मुझसे कहीं गिर गया। झूठ बोलता है? हाँ मुझे सब मालूम पड़ चुका है, सच सच बोल। हाँ बताता हूँ। बोल। रन के डैडी एक्सपायर हो चुके हैं, उसके मम्मी के पास जॉब भी नहीं है। अगर उसकी फीस डिपॉजिट नहीं होती तो टीचर उसे स्कूल से निकाल देती। कितना अच्छा काम किया मेरे बेटे ने, क्यों मार रही हो तुम इसे? और अगर तुम्हारी फीस डिपॉजिट नहीं हुई तो तुम्हें भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ये नहीं समझ में आया तुम्हें? अरे तुम्हें दोबारा फीस भर दूंगा, इसमें तुम्हें मारने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पापा ने हमें क्या कम बर्बाद किया है जो ये भी उनके कदमों पे चल निकला? यहाँ हम अपना बजट संभालने के लिए अपनी जरूरतें कम कर रहे हैं और वो है कि दूसरों पे लुटाए जा रहे हैं। और तुम देखो, अगर तुमने दादू की तरह हरकतें की तो तुम्हें तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, समझा? उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकती, इनको जो बुरा लगता है। पैसे लाए तो मैं कहाँ चले गए? पैसे कहाँ गए? अभी तो जेब में ही थे, कहाँ गए? हे भगवान, वैसे मेरे साथ इतनी परेशानियां लगी हुई हैं, अब क्या होगा? अंकल जी हट जाइए ना, मुझे देर हो रही है। अंकल साइड में खड़े होकर के देखिए ना, दूसरे को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? देखिए अंकल, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। ऐसे तो है ही नहीं जी, मैं तो लाया था, कहाँ चले गए? क्या जवाब दूंगा उनको मैं? पहले मेरे ऊपर बड़ी मुसीबत पड़ी रहती, अब क्या जवाब दूंगा? हे राम, हे राम। अब क्या करूंगा मैं?
बेटा, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे क्या? सनी के आने से पहले मुझे कहीं छोड़ दोगे क्या? कहाँ जाना चाहते हैं? बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बाकी की जिंदगी किसी वृद्ध आश्रम में मेरी उम्र के लोगों के बीच कटे। मेरे यहाँ साथ रहने से तुम लोगों को परेशानी होती है। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों की खुशी में मेरी वजह से खलल पैदा हो। वैसे भी मेरा शरीर थक गया, अब मैं आप लोगों के किसी काम का नहीं रहा। तुम लोगों पर मैं बोझ बनकर नहीं जीना चाहता। और सनी को कह देना मैं उसके जन्मदिन पर मिलने जरूर आया करूंगा। लेकिन पापा, आप सनी की बिल्कुल टेंशन ना ले, उसे मैं समझा दूंगी। आपने जो डिसीजन लिया है ना, वो बहुत सही लिया है। और वैसे भी आजकल आपके साथ रहकर वो बहुत बिगड़ गया है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। और वैसे भी दाश, पापा ने जो डिसीजन लिया है ना, वो बहुत सही लिया है। वो वहाँ खुश रहेंगे और हम यहाँ। पर रीमा, मेरी बात तो देखो, तुम अब जल्दी जाओ, डिले मत करो। पापा, आपने कुछ सेविंग की थी क्या, जो इसको आप ठेले में लेकर जा रहे हो? बेटा, जिंदगी का फर्ज निभाते निभाते मुझे सेविंग करने का मौका ही नहीं मिला। और जो भी सेविंग किया था वो आप लोगों के नाम कर चुका हूँ। इसमें गायत्री की तस्वीर है जिसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मैं नहीं समझता ये आप लोगों के किसी काम की है। वैसे भी हमारे काम की नहीं है, ले जाइए आप अपने साथ, ठीक है? वैसे भी फालतू चीजों के लिए हमारे घर में बिल्कुल जगह नहीं है। चलो, अच्छा हुआ गायत्री पहले ही चली गई, वरना आज उसका बोझ मेरे ये बूढ़े कंधे उठा भी नहीं पाते। चल बेटा, चल अब मुझे विदा कर दे। जाओ ना। चल गायत्री, हमारी किस्मत में नियति ने ये जगह पहले से ही निश्चित कर रखी। आइए बेटी। थैंक यू। जरा इनका नाम बताइए। राम कृष्ण दयाल। अरे वाह, मैं ये पहला आश्रम देख रहा हूँ जहाँ
बूढ़ों और बच्चों को एक साथ सहारा मिला है। जी हाँ, दोनों अपने अपने घर वालों को मिस ना करे इसलिए दोनों के लिए एक ही आश्रम बना है। यहाँ दादा दादी अपने पोती और पोतियों को पा लेते हैं और पोते पोतियां अपने दादा दादी को। क्या बात है। भाई साहब, वो आदमी कौन है जिससे मेरे पापा बात कर रहे हैं? कौन ये? हाँ, ये तो यहाँ के मैनेजर साहब है। आपने मुझे किस लिए बुलाया? कुछ काम था? सर वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। कहिए, क्या पूछना है? सर मुझे एक सेकंड सर, सो सॉरी। हाँ बोलो रिमी। पोत से छुटकारा मिला कि नहीं? देखो मैं अभी किसी से बात कर रहा हूँ, तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा रुको, मेरी बात सुनो। उनसे कहते ना कि सनी के बर्थडे पर भी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं सनी पर उनकी परछाई तक पड़े। ठीक है, मैंने तुमसे कहा ना, फोन रखो, अभी बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। ओके फाइन। सो सॉरी सर। सर वो मैं आपसे पूछ रहा था कि जहां तक मुझे पता है मेरे पापा यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन वो आपसे बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे वो आपको बहुत टाइम से जानते हो। बड़ी पुरानी पहचान है इस जगह से उनकी, मुझे अच्छी तरह से याद है। ऐसे सैड हो जैसे तुमने पापा को वृद्धाश्रम नहीं शमशान छोड़कर आए हो। तुमने अपने बाप के लिए मुझ पे हाथ उठाया? वो बाप नहीं है। भगवान, मैं तो अनाथ हूं। आज के सड़कों पर भीख मांगना होता अगर उन्होंने मुझे आश्रम से गोद नहीं लिया होता तो। उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका खून नहीं हूं। और आज मैंने उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। ये सब कुछ उन्हीं का तो है। ये घर, मेरा नाम, मेरी पहचान, यहां तक कि तुम भी। क्या तुम्हारे पापा मुझे अनाथ को तुम्हें सौंप दे? बोलो। ये तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें ये सब? आज वो आश्रम का मैनेजर मुझे ये सब नहीं बताता तो मैं जिंदगी भर अपने भगवान से अनजान रहता। बड़ी पुरानी पहचान है इस जगह से उनकी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो आज ही का दिन था, आज से 30 साल पहले वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ एक अनाथ बच्चा गोद लेने के लिए आए थे। वो जरूर तुम ही हो बेटा। किस्मत का खेल देखो, आज ही के दिन वो तुम्हें यहां से गोद लेकर गए थे और आज ही के दिन तुमने यहां पर छोड़ने आए हो।
खून खून में फर्क पैदा कर दिया है तुमने। आज तुमने दिखा दिया कि अपना खून अपना ही होता है। अगर तुम उनका खून होते तो कभी इन्हें खून के आंसू नहीं रुलाते। सच तो ये है कि मैंने उनको तकलीफ पहुंचाने में कोई कमी नहीं चाहती। मैं एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी कभी बन ही नहीं पाई। मैंने ही तुम्हें उनके खिलाफ भड़काया। मुझे माफ कर दो राज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राज। मैंने कौन सी इज्जत रखी है उनकी? मैं उनके पैरों में गिरकर बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, पर हमने उन्हें इतनी तकलीफें दी है कि अब हम उनका प्यार कभी वापस नहीं पा सकते। राज, तुम प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। मैं उनके पैरों में तब तक सर पटकती रहूंगी जब तक वो हमें माफ नहीं कर देते। वो हमारे पास कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। सरप्राइज, मम्मी, डैडी, दादू, पापा, माफ कर दीजिए। पापा, माफ कर दीजिए। मुझे बहुत बड़ी मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया है आपके साथ। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। आपने जिंदगी भर बोली और आज जब आपको जरूरत है तो मैंने आपको ही बोझ समझ लिया। आपने मुझे ये कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी औलाद नहीं। जिस औलाद को अपने बेटे की तरह जिंदगी भर प्यार दिया, अब उससे नाराज होकर उसके सिर से पिता का साया मत हटाइए। देखिए पापा, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं अपने आप को ऐसी सजा दूंगा कि आपको मेरा बोझ एक बार फिर उठाना पड़ेगा। अपने कंधों पर रखकर मुझे शमशान तक पहुंचाने का। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल बेटा। तुम बच्चों की सदी में बना जी रहा हूँ, तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं गायत्री के साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया होता। उसने मुझसे वादा लिया था कि मेरे बेटे की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। आज मैं तुमको रुला कर मैं उसका गुनाहगार बन गया बेटा। अब मुझसे ये गुनाह नहीं होगा, मैं खुद तो तकलीफ उठा सकता हूँ। मगर गायत्री से लिया वादा मुझसे ना तोड़ते बनेगा। बस तुम लोगों से एक ही विनती है, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पोते को मुझसे दूर मत करना कभी। मैं भी जहाँ दादू कहते थे वहाँ मुझे मेरे हर बर्थडे पे ले जाया करते थे। मुझे पता था दादू वहाँ जरूर मिलेंगे। मैं जाके अपने दादू को ले आया। मेरा राजस्थानी बेटा, इसमें मेरी जान है, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा।